के बावजूद भी मेरा कारोबार तो चल रहा है, मैं सूदी कारोबार कर रहा हूँ, लोग तो मेरी इज्जत कर रहे हैं, मस्जिद की कमेटी का मैं सदर भी हूँ, मैं मुअज्जिन शहर में शामिल भी हूँ, लोग मुझे जलसों में मेहमान खसूसी भी बुलाते हैं, मैं MPA भी मुंतखब हो गया हूँ, मुझे वजारत का कलमदान भी सौंप दिया गया है। वो मियाँ अल्लाह की नज़र में इन चीज़ों की अहमियत ही नहीं है, ये चीज़ें होती क्या हैं? वो ये नहीं छीनता, वो हिदायत छीनता, वो रोटी नहीं छीनता, वो तो नमरूद को भी रोटी देता था। उसने कभी सूरज को मना नहीं किया कि इसके घर में रोशनी ना कर, ये हामान का घर है, ये कारून का घर है, ये मेरे दुश्मनों का घर है, इसके घर में रोशनी नहीं होनी चाहिए। चांद को कहता है अपनी किरणें बखेर, सूरज को कहता है अपनी रोशनी बखेर। जिस तरह बायजीद के घर में रोशनी होती है, उस मक्कार के घर में भी ऐसी रोशनी होती है, फर्क नहीं पड़ता। तो वो करम नवाजियां तो नहीं रुकती, लेकिन अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उससे हिदायत की तौफीक सलब कर लेता है, तो ऐलान जंग होता है। तो फिर वो टकरे भी मार रहा हो तो उसकी रस्म की नमाज होती है, उसका माथा झुक रहा होता है, दिल नहीं झुक रहा होता, क्योंकि हिदायत सलब कर ली है। जब अंदर से रूह ही निकाल ली जाए तो बाकी बचता क्या है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि अल्लाह ताला जल्ला शानहु ने हमें जिन कामों से रोका है, जिन कामों से मना किया है, उन कामों के करने में हमें कभी भी भलाई और खैर नहीं मिल सकती। ये हम जब अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें, अगर अल्लाह पर हमारा यकीन और यकीनन उस पर हमारा ईमान है, तो फिर वो अमर जो अल्लाह की तरफ से जिनसे रोक दिया गया, तो हम कभी भी उनके करीब तक न जाएं। और जिन कामों के करने का उसे हुक्म दिया गया, उसकी हिकमतें ना भी हमें मालूम हो, आज जदीद साइंस तहकीकात करती है तो हमारे सामने आता है कि वुजू के क्या फवायद हैं। आज हमें लोग बताते हैं कि जनाब आप इमामा बांधेंगे तो सनस्ट्रोक से बच जाएंगे। आज दुनिया तहकीक और जस्तजू करके नमाज और दौरानी खून और जो है वो नमाज की बरकतें और कितनी बीमारियों से नमाज के जरिए से बचने की कहानियां सुनाते हैं। अच्छी बात है नमाज से सेहत पे असर पड़ता है, ये अच्छी बात है कि वुजू से बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है, ये अच्छी बात है कि सर पे इमामा बांध ले तो सन स्ट्रोक से बच जाते हैं, ये अच्छी बात है कि आप रोजा रखते हैं तो कैंसर जैसे अमराज से आपका बचाव होता है, ये अच्छी बात है कि फला अमल करते हैं तो फला होता है। लेकिन साहेब हम सन स्ट्रोक से बचने के लिए इमामा नहीं बांधते, हम मोहम्मद अरबी की अदा के लिए बांधते हैं। दौराने खून के लिए नमाज नहीं पढ़ते, हम रब के हुजूर सजदा रेजी के लिए उसके हुजूर अपनी न्याजमंदियों का सर झुकाते हैं। तो हिकमतें भी हैं, वो बरकतें जैल में आती हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा, महमूद गजनवी का वजीर उससे हसद करते होते थे कि इसमें क्या खसूसियत है कि बादशाह इसी को अहमियत देता है। एक दिन बादशाह ने कोई तरबूज काटा, कोई खरबूजा काटा या कोई और ऐसी चीज थी, तो जिसको भी दिया तो वो कड़वा था, तो उसने चूही चखा तो फेंक दिया। और फिर बुलाया यास को और उसको काट के उसकी फांक दी, तो ऐसे लुत्फ से खाने लगा कि जैसे इससे लजीज कभी फल जिंदगी में देखा ना हो। तो सारे अंदर हंस रहे थे, एक दूसरे को आंखों से इशारा कर रहे थे, ये देखो बेवकूफ। तो बादशाह रुक गया और कहा कि यास, ये जो फ्रूट तुमने खाया है ये मीठा था या कड़वा? कहा बादशाह सलामत कड़वा। तो कहा फिर इतने जौक से क्यों खाया? कहा कि इस हाथ से मैंने मीठी नेमतें खाई है, आज कड़वी मिली है तो थूक दूं? कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो मियां कड़वा हो तो वो भी कबूल किया जाए, नफ्स पे शाख हो, कड़वी वो चीज होती है जो नफ्स पे शाख होती है, नफ्स करना नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा दिल कहे नहीं, ये मालिक की तरफ से है। सख्त सर्दी है, गर्मी की शिद्दत है, पानी ठंडा है और मौसम सर्द है, पानी गर्म है और मौसम भी गर्म है, रात का पिछला पहर है, थके हुए हैं, लेकिन आप इसके बावजूद भी अपने रब के हुक्म को बजा लाते हैं। नफ्स पे शाक है लेकिन सीने में ठंड ही नहीं पड़ती जब उसके हुजूर सजदा रेजी नहीं कर लेते। तो उसके हुक्मों को बजा लाना और अपने नफ्स को पीछे कर देना और अपनी ख्वाहिशात के गले पे छुरी फेर देना और मालिक की रिजा में अपने आप को गुम कर देना, यही जिंदगी है और यही बंदगी है। तो इसलिए
मुझे और आपको इस बात पे गौर और तदब्बुर करना चाहिए कि हम इस मुख्तसर जिंदगी को अल्लाह के अहकाम की मुताबकत में गुजारने का आज़म करें। वो बात छोटी से छोटी हो या वो बात बड़ी से बड़ी हो, वो अहकाम हमारी जिंदगी के अंदर नाफिजुल अमल हो। मैं फिर वो बात कहूँगा जो बार बार कहता हूँ कि मेरे बुजुर्ग हमसे कहा करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछे तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े कि हम मुसलमान होते हैं। फरमाया करते थे, साहब ना किसी को पूछना पड़े ना तुम्हें बताना पड़े तुम्हारी वज़ाकता, तुम्हारा तर्ज ज़िंदगी, तुम्हारा अंदाज़े मुआशरत ऐसा खूबसूरत हो, तुम दूर से आ रहे हो, लोग पहचान के कहें वो देखो मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा। तुम शक्ल से पहचाने जाओ, तुम किरदार से पहचाने जाओ, तुम वादे से पहचाने जाओ। किताब का नाम है बुशरल कईब फी लिकाइल हबीब, हुजूर अलैहिस्सलाम की मुलाकात के हवाले से। यह किताब इमाम सय्यूती अलैहिर्रहमा की मुसन्नफा है। उसमें एक वाकया उन्होंने लिखा कि एक शख्स कब्र में उतरा और नकीरैन आए और उन्होंने सवालों जवाब का सिलसिला किया, मन रब्बों का मा दीनों का। अच्छा, उसकी दाढ़ी में चंद बाल सफ़ेद थे जिनको वो मेहंदी लगाया करता था। तो जब मुनकर ने कहा कि मन रब्बों का, तो नकीर ने उसका हाथ पकड़ के पीछे खींचते हुए कहा, इससे सवाल पूछ रहा है, तू देख नहीं रहा इसकी दाढ़ी में इस्लाम का नूर चमक रहा है, इसकी दाढ़ी में इस्लाम का उजाला तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम्हारी वजह कत ही ऐसी हो कि फरिश्ते भी देखें कि ये हुजूर का गुलाम आ रहा है। अल्लाह के जिक्र से रुख फेर ले, अल्लाह की याद से रुख फेर ले, अल्लाह के दीन से एराज करे, तो फिर खुदा शनासी, कनात, तवक्कुल और आमाले खैर तो उससे छिन ही जाएंगे, उसको खुद फरामोशी के अजाब में मुबतला किया जाता है। और कुरान मजीद ने एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीन नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने रब को भुला दिया, वो भूल गए अपने रब को भूल गए, गफलत ऐसी तारी हुई सवेर से लेकर शाम तक और शाम से सवेर तक, दुनिया दुनिया और दुनिया ही मकसद हयात बन गया, दुनिया में आए किस लिए थे, मकसद क्या था भूल गए, मेला देखने के लिए आए थे घर का रास्ता भूल गए। अल्लाहु अकबर। तो फरमाया तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना। फिर अल्लाह ने उन्हें सजा क्या दी, रिज़्क के दरवाजे बंद कर दिए, नहीं, उनकी सांसें छीन ली, नहीं, सूरज को हुक्म दे दिया इसके आंगन में रोशनी ना भेजना, नहीं, चांद को चांदनी बखेरने से रोक दिया, नहीं, आबो हवा रोक दी गई, नहीं, उन्हें क्या सजा मिली जिन्होंने रब को भुला दिया। फरमाया फअनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने उन्हें उनकी जातों से उन्हें बेखबर कर दिया, जो खुदा फरामोश हुए वो खुद फरामोश हो गए, उन्हें अपने आप से ही आगाही न रही। और मुझे बताओ जिसे ये भी ना पता हो कि मैं कौन हूं, अपनी शनाख्ती जो भूल जाए, उसके पल्ले होता क्या है। इकबाल ने कहा था ना, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। मुझे बताइए 6 फुट का जवान हो, कदे राना रखता हो, उसकी आंखें उकाबी हो, माथा कुशादा हो, रंग चमक रहा हो, होंठ गुलाबी हो, लेकिन उसकी कमीज के पीछे घर का एड्रेस लिखा हो कि किसी को मिले तो इस एड्रेस पे पहुंचा दे, तो आप उसका चेहरा देख के कहते हैं वाह क्या जवान राना है, क्या इसके होंठ गुलाबी हैं, क्या नरगसी आंखें हैं, क्या खूबसूरत चेहरा है, क्या शमशाद कद है। लेकिन अचानक नजर पड़ी तो उसके घर का एड्रेस उसकी कमीज के पीछे लिखा था। आपने कहा मैंने दूर से देखा, इसका तो तवाज़ुन अकली ही ठीक नहीं, ये तो बेचारा जो है वो पागल है। तो कद काठ होने के बावजूद घर का एड्रेस पीछे लिख दिया गया, तो अब हर कोई समझता है कि ये बेचारा फहमो इदराक के नूर से खाली है। कदे राना पे तरस आने लग जाता है और वो आंखें जिनमें डूब जाने को झील जैसी आंखों में गोता लगाने को जी चाहता था, तो अब तरस आने लग जाता है कि ये बेचारा तो खुद फरामोश है। अल्लाह फरमाता है जिसने रब को भुला दिया, तुम ये ना देखो इसके बंगले कितने हैं, ये ना देखो इसके पास कोठियां कितनी हैं,
ये ना देखो इसकी चमकती हुई कितनी लंबी गाड़ी है, ये ना देखो कि आली नसब टाउन के अंदर इसका घर है, ये ना देखो इसका बैंक बैलेंस कितना है, हाँ हाँ ये भी ना देखो इसके पास वजारत का कलमदान है, ये भी ना देखो कि ये वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठा हुआ है, ये भी ना देखो कि इक्तदार की मस्तक पे झूलता है, ये भी ना देखा हो कि ये डाइस पे खड़े होकर नारे लगाता है, लोग आगे से जवाब दे के वाह वाह के डोंगरे बरसाते हैं, कहा इसकी कमीज के पीछे लिखा हुआ एड्रेस पढ़ लो, फअनसाहुम अनफुसाहुम, ये वो शख्स है कि जो अपना पता भूल चुका है, जिसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, इस दुनिया पे आया क्यों, जो आके भूल गया है इसे घर का रास्ता ही नहीं मिल रहा और ये भागा फिर रहा है दुनिया के अंदर, क्या बताएं हबाब क्या कार नमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए, जिंदगी का मकसद ही नहीं मिला, कहा जो इस दुनिया में अंधा रहा कल कयामत के दिन भी नाबीना उठाया जाएगा, उससे इन आंखों की बेनूरी मुराद नहीं है, उससे दिल की बेनूरी मुराद है, इसीलिए इकबाल ने कहा था दिल बीना भी कर तलब खुदा से, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं है, आंख का नूर और है दिल का नूर और है, तो हम दुनिया की मादी चमक को देखते हैं, मेरा मालिक कहता तुम्हारा दिल सुथरा होना चाहिए, तुम्हारा मुंह काला हो तो कोई बात नहीं है, दिल काले नालों मुंह काला चंगा, जे को ये रमज पछाणे हो, असल तो दिल की पाकीजगी है और दिल रब के साथ वाबस्ता हो, उसके रसूल के साथ वाबस्ता हो, तो जिसने अल्लाह के दीन से रुख फेरा एराज किया तो फिर उसका नतीजा क्या हो कि उसकी जिंदगी तल्ख हो जाएगी।